स्वागत है आपका एक बार फिर मनीष टीचिंग सेंटर में। आज हम रेशियो का टाइप नंबर 10 लेकर आए हैं, जो गाय मुर्गा से संबंधित प्रश्न दिया हुआ रहेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, काफी दिन से पूछ भी रहे थे सर कि गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न रेशियो में जो है उसको कब पढ़ाया जाएगा। तो आज हम आपको बताते हैं, उसका समय आ चुका है कि गाय मुर्गा से संबंधित प्रश्न को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और हाँ, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सर्वप्रथम वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेंगे। और आपको टाइप नंबर 10 आज हम पढ़ाने जाएंगे। इससे पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक हम पढ़ा चुके हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मेरा रेशियो का टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक पढ़ाई नहीं किए हैं, तो सर्वप्रथम वो 1 से लेकर 9 तक पढ़ाई कर लें, उसके बाद ही टाइप नंबर 10 को देखें। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक पढ़े हुए रहेगा तो आपको रेशियो का बेसिक समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो हो सकता आगे चलकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए रेशियो का जो टाइप नंबर 10 है, जो गाय मुर्गा से संबंधित प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसको लेकर चलते हैं। चलो ठीक, चल पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है, हरिया के पास हरि नाम का एक व्यक्ति है, कहता उसके पास कुछ गाय है तथा उसके पास कुछ मुर्गा है। कहता हरिया के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गा है, जिसको सिरों की संख्या 48 है, जिसमें कहता है गाय है और मुर्गा है, उसमें सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब उसके पास कुल कितना गाय है। गाय के बारे में पूछ रहा है कि हरिया के पास कुल कितना गाय है। तो देखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लग रहा है कि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है, ये तो बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो आपको हम बता देना चाह रहे हैं, चाहे गाय रहे या मुर्गा रहे, गाय रहे या मुर्गा रहे, उसके पास सिरों की संख्या हमेशा एक ही होता है। एक गाय के पास एक ही सिर होता है, एक मुर्गा के पास भी एक ही सिर होता है। ना कि यहाँ पे रावण है, सिर्फ रावण के पास 10 को हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे चाहे गाय हो या मुर्गा हो, सभी के पास सिरों की संख्या हमेशा एक एक होगा। और दूसरा, गाय के पैरों की संख्या जो होता है 4 होता है, गाय के पैरों की संख्या 4 होता है और मुर्गा के पैरों की संख्या 2 होता है। मुर्गा के पैरों की संख्या 2 होता है, यहाँ पर से अंतर हो जाता है। गाय के पैरों की संख्या 4 हो गया और मुर्गा के पैरों की संख्या हमारा जो होता है 2 होता है, लेकिन सिरों की संख्या की बात किया जाए तो हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि गाय कुल कितना है, मतलब हरिया के पास कुल कितना गाय है, ये पूछ रहा है। तो आपको हम बता देते हैं, जो यहाँ पे पूछेगा उसका विपरीत मान लीजिएगा। अगर गाय पूछ लिया है तो मान लेंगे कि टोटल के टोटल उसके पास मुर्गा है, और मुर्गा पूछेगा तो मान लीजिएगा टोटल के टोटल उसके पास गाय है। तो यहाँ पर हमको पहला प्रश्न पूछा है कि गाय कितना है, तो गाय पूछ रहा है तो मान लेंगे टोटल के टोटल जो होगा वो मुर्गा होगा। तो एक मुर्गा का 2 पैर, यहाँ पे पैरों की संख्या हो गया 140 माइनस एक मुर्गा के 2 पैर, और उसके पास अगर 48 मुर्गा होगा तो 48 मुर्गा को पैरों की संख्या निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे। और गाय के 4 पैर होता है और मुर्गा का 2 पैर होता है, तो गाय के पैरों का और मुर्गा के पैरों का बीच का अंतर ले लेंगे। तो गाय के 4 पैर बटा माइनस मुर्गा के 2 पैर, तो 4 में से 2 गया तो बच गया 2 हो गया। 2 से भागा दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। काट दिए यहाँ पे, और नहीं तो पूरा जोड़ जाके काटना है तो जोड़ जाके काटिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया 48 गुना 96, 140 में 96 चल गया, बच गया 44, 44 बटा 2 हो गया 22 हो गया। तो उसके पास गायों की संख्या हो गया 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुर्गा की संख्या भी पूछ देता तो 48 में से 22 चला जाता तो 26 हो जाता आपका मुर्गा की संख्या। तो यही बस काम करना है। आपको क्वेश्चन कितना बड़ा से बड़ा दिया हुआ रहेगा, लेकिन स्टेप आपको यही लेकर चलना है गाय मुर्गा से संबंधित प्रश्न में, कि गाय जो पैरों की संख्या हमको 140 दे रखा था और गाय पूछा था टोटल के टोटल को हम मुर्गा मान लिए थे, तो यहाँ पर एक मुर्गा का होता है 2 पैर होता है, टोटल 48 मुर्गा हो जाएगा। तो 48 गुना 2 कर देंगे, बटा में
गाय का चार पैर माइनस मुर्गा का दो पैर, तो चार में से दो किया तो बच गया, दो बच जाएगा, दो से भागा दे देंगे। यहाँ पर हो गया 48 दुना 96 हो गया, 140 में से 96 गया बच गया 44, 44 बटा 2 बराबर हो जाएगा 22। तो हरिया के पास गायों की संख्या हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम अब लेके चलते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कहता है नटवर लाल के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गा है। देखिएगा नटवर लाल नाम का एक व्यक्ति है, कहता है उसके पास कुछ गाय है तथा उसके पास कुछ मुर्गा है, और कहता है सिरों की संख्या 68 है। नटवर लाल के जो गाय तथा मुर्गा है, कहने का मतलब है जानवरों की संख्या हो गया 68 हो गया, और पैरों की संख्या हो गया 196। तो कहता है उसके पास मुर्गा की संख्या कितना होगा। तो हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि अगर मुर्गा पूछेगा तो टोटल को मान लीजिएगा, गाय मान लीजिएगा, गाय पूछेगा तो टोटल को मुर्गा मान लीजिएगा। तो यहाँ पर मुर्गा की संख्या पूछ रहा है तो टोटल को गाय मान लीजिए। देखिएगा 68 हुआ है टोटल सिरों की संख्या, तो एक गाय का चार पैर, तो 68 गाय का कितना पैर, 68 × 4 माइनस सिरों की संख्या 196 बटा गाय का चार पैर माइनस मुर्गा के दो पैर, तो चार में से दो गया तो दो बच जाएगा, तो 68 चौका कितना हो जाएगा जी, 68 चौका हो जाएगा 280, 280 में 4 × 8 गया तो बच गया 272। गलती नहीं जुड़े हैं, 8 × 32 बाकी 3, 6 × 72 हाँ 272 बिल्कुल सही है। अब 272 में से 196 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 72 × 4 = 76 बच जाएगा, तो 76 / 2 हो जाएगा 38 हो जाएगा। मतलब नटवर लाल के पास मुर्गा की संख्या जो होगा वो 38 आपका हो जाएगा। बस यही काम करना था, गाय की संख्या पूछा था मुर्गा मान लेंगे, मुर्गा की संख्या पूछेगा गाय मान लेंगे, यहाँ पर हमको मुर्गा की संख्या पूछ रहा था तो टोटल के टोटल को गाय मान लिए, तो एक गाय के चार पैर, तो 68 गाय का कितना पैर, 68 × 4 हो जाएगा माइनस पैरों की संख्या 196 बटा में गाय का पैर माइनस मुर्गा का पैर बराबर बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 372, 372 में से 196 गया बच गया 76, 76 / 2 हो गया आपका 38 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आप लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है नटवर लाल के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गा है जिनके सिरों की संख्या 50 है, सिरों की संख्या 50 हो गया, पैरों की संख्या 140 हो गया, तो कहता है उसके पास कुल कितना मुर्गा है। तो मुर्गा है 50 × गाय का पैर माइनस टोटल पैर बटा 4 में से 2 गया 2 बच गया, 50 चौका 200, 200 में से 140 गया बच गया 70, 70 / 2 बराबर हो गया 35। आप ये सोच सकते होंगे कि जब हम आपको बता रहे हैं तो आप हम एक मिनट से कम का समय ले रहे हैं, अगर जो नहीं बताएंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा समय लगने लग जाएगा। चलिए ठीक है, कहीं पर गलत, 50 × 200 में से 140 गया तो बच गया 60 बच गया, 60 / 2 हो गया 30 हो गया। आपको एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन में गलती हो जाता है तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन आप ये जो देख लीजिए कि इसी वीडियो को हम आपको बताने में जब एक मिनट से कम का टाइम ले रहे हैं, जब बता रहे हैं तब बनाने में एक मिनट से कम का टाइम ले रहे हैं, और अगर यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाएगा तो आप सोच सकते हो उसको कितना समय में बना सकते हैं। इसके लिए हम कलम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट 50 × 200 में से 140 गया 60, 60 / 2 हो गया 30 हो गया, 30 मार्क निकल जाएंगे। जीके जीएस के जैसा ये लगेगा आपको चलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपके लेकर चलते हैं। चलिए कहता है कानू के पास कुछ भेड़ तथा कुछ मुर्गा है जिनके सिरों की संख्या 38 है तथा पैरों की संख्या 100 है, तो उसके पास कुल कितना मुर्गा है। तो बता देते हैं भेड़ के पास भी चारे पैर होता है जी, उसके पास 6 पैर नहीं होता है, 4 पैर होता है भेड़ के पास, तो मुर्गा का संख्या पूछ रहा है। तो मान लेते हैं टोटल के टोटल कानू के पास जो होगा वो भेड़ होगा, तो एक भेड़ का 4 पैर, तो 38 भेड़ का 38 × 4 माइनस 100 / 2, 38 × 4 हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 152 में से 100 गया बच गया 52, 52 / 2 कर देंगे हो जाएगा
26 हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना, कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी गलत रहेगा तो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कैलकुलेशन में गलत, ऐसे बहुत कम ही कैलकुलेशन में गलत होगा। लेकिन ये आपको क्लास कैसा लग रहा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए बाकी आगे तो आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, कहता है किसी बक्से में 10 पैसा एवं 20 पैसा का सिक्का है, किसी बक्सा में 10 पैसा एवं 20 पैसा के कुल सिक्का है, कहता कुल सिक्कों की संख्या जो है 200 है, कुल सिक्कों की संख्या 200 है एवं कुल मूल्यों की संख्या जो है 36 रुपया है, तो कहता 10 पैसे वाले सिक्का की संख्या कितना होगा। देखिएगा 10 पैसा का सिक्का मान रहा है, मान लेंगे 20 पैसा के कुल सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का मान रहा है मतलब हम मान लेंगे टोटल पे टोटल जो होगा 20 पैसा के सिक्का होगा, कुल सिक्कों की संख्या है 200 है, 200 हो गया और गुणे 20 पैसा माइनस रुपया है 36 रुपया, तो 36 रुपया को सिक्का में बदल देंगे मतलब पैसा में बदल देंगे तो हो जाएगा 3600 बटा 10 पैसा और 20 पैसा का अंतर ले लेंगे हो जाएगा कितना पैसा 10 पैसा, तो यहाँ 200 गुणे 20 कर देंगे तो हो जाएगा 4000, 4000 में से 3600 चला जाएगा आ जाएगा 400 बटा 10 हो जाएगा 40। बस इसी प्रकार से करना है, गाय मुर्गा से संबंधित ये भी प्रश्न था, रुपया पैसा वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपको गाय मुर्गा संबंधित था। यहाँ से देखिए गाय मुर्गा रहता था 200 भाग दे रहे थे क्योंकि 4 में से 2 जा रहा था 2 बच रहा था, लेकिन यहाँ पर 20 पैसा में से 10 पैसा जाएगा तो आपका 10 पैसा बच जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4000 माइनस हो जाएगा 3600, तो 4000 में से 3600 हो जाएगा 400 बटा 10 बराबर आ जाएगा 40 है, तो 20 पैसा के कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहीं पर पूछ देता है कि 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो जाए, सॉरी ये 10 पैसा का सिक्का हो गया कुल 40 को, अगर यहाँ पर पूछ देता कि 20 पैसा का कुल कितना संख्या हो जाता तो 200 में से 140 हटा देते 160 आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लेकर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, कहता किसी बक्से में 10 रुपया एवं 20 रुपया के कुल 90 नोट है, वो एक पेटी है जिसमें 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है, जिसमें नोटों की संख्या 90 दे रखा है एवं उसके कुल रुपया जो है 1300 रुपया है, तो कहता है उसमें 20 रुपया का नोट कितना होगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, 20 रुपया का नोट पूछ रहा है, मान लेंगे टोटल पे टोटल कितना रुपया का नोट, तो 10 रुपया का नोट कितना हो जाएगा 1300 माइनस एक नोट में 10 रुपया, तो 90 नोट में कितना हो जाएगा, तो 90 × 10 आप बटा 20 माइनस 10 कर देंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ 1300 हो गया, यहाँ पे 900 हो गया, तो 900 में से 1300 गया बच गया 400 बटा 10 बराबर 40, मतलब 20 रुपया का जो नोटों की संख्या होगा 40 होगा। आपको इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार के प्रश्न में, ये नहीं कि इससे ज़्यादा आपका शॉर्ट हो सकता है, संभव ही नहीं है। कोई अगर टीचर कहता कि हम इससे ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो असंभव बड़ा बात बोल रहे हैं, तो असंभव कभी भी संभव नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा इस प्रश्न में कभी शॉर्ट नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार का इतना ही मैं आप पर सभी प्रश्न का अगर हल करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ में हमेशा हमेशा के जुड़े हुए रहिए और प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आप लेकर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, ये थोड़ा सा अलग हट करके है, जो आप एग्जाम देते हैं तो जस्ट लाइक ये इसी प्रकार से एग्जाम में काट लिया जाता है और नंबर मिलता है, यहाँ पर आज वही बता दें, कहता है ये परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, यदि आप सही करिएगा तो 4 अंक दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत करिएगा तो 1 अंक आपको काट लिया जाएगा, मतलब कमाया हुआ धनराशि में से 1 अंक काटेगा। कहता है तो एक परीक्षार्थी ने कुल 100 प्रश्न का हल किया और उसे कुल 300 नंबर प्राप्त हुआ, तो कहता उसने कुल कितना गलत उत्तर दिया, तो गलत उत्तर दिया मतलब मान लेंगे टोटल के टोटल क्या दिया है, तो सही उत्तर दिया है, एक सही उत्तर के 4 अंक दिया जाता है, टोटल 100 प्रश्न है, अगर सौ सही कर देता तो कितना नंबर, 4 × 100 माइनस कुल कितना नंबर प्राप्त किया है 300 बटा, देखिएगा सही उत्तर के लिए 4 अंक
दिया जाता है, गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है, तो चार अंक दिया जाता है और एक अंक काट लिया जाता है, इन दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा तीन नहीं बल्कि पांच होगा। कैसे जो देखिएगा, जब सही करिएगा तो प्लस चार नंबर मिलेगा, गलत करिएगा तो माइनस एक नंबर मिलेगा, तो प्लस चार और माइनस चार के बीच का अंतर हो जाएगा पांच। कैसे देखिएगा, अंतर तो माइनस एक माइनस माइनस प्लस हो गया तो चार प्लस एक हो जाएगा पांच हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर तीन होगा, तो तीन नहीं होगा बल्कि यहाँ पे चार होगा। तो देख लीजिएगा, 400 में से 300 गया बच गया 100, 100 बटा 5 हो जाएगा वो भी आपका 20। तो उसने जो परीक्षार्थी है टोटल के टोटल 20 उत्तर गलत दिया और 80 को सही प्राप्त बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर अब हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तथा एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। यदि कोई परीक्षार्थी 75 को बनाता है जिसमें से 270 अंक प्राप्त करता है, तो कहता उसने कुल कितना गलत किया, तो मान लेते हैं टोटल के टोटल सही किया है तो 75 क्वेश्चन गुणे 5 माइनस टोटल 270 बटा 5 अंक दिया जाता है, 2 अंक काट दिया जाता है, 5 अंक हो जाएगा यहाँ पे 7, 75 बचे हो जाएगा 375, 75 बचे 375 में से 270 चल गया बच गया 105 बटा 7, 15 × 75 से टोटल 15 क्वेश्चन को गलत किया है। और इससे ज़्यादा शॉर्ट के लिए कोशिश करिएगा तो कभी संभव नहीं है, नामुमकिन है इससे ज़्यादा शॉर्ट हो पाना। इस प्रकार के प्रश्न में इससे ज़्यादा शॉर्टकट ना ही मिला है ना ही कभी मिल पाएगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा, कहीं पर भी मुसीबत रहेगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वहां पे हम आपको सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पर लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है एक व्यक्ति जो है 5 रुपये प्रति किलो की दर से आलू खरीदता है तथा 12 रुपये प्रति किलो की दर से परवल खरीदता है और यदि वह 16 किलो सब्जी खरीदता है जिसके लिए 143 रुपया देता है, तो कहता आलू उसने कुल कितना खरीदा। कोई बात नहीं है, मान लेते हैं आलू खरीदा, परवल मान लेंगे टोटल के टोटल, तो टोटल 16 किलो सब्जी, तो अगर टोटल अगर जो परवल खरीदता और 1 किलो परवल के दाम है 12 रुपया, तो 16 किलो परवल के दाम हो जाएगा 16 × 12 माइनस 4 रुपया दिया 143 बटा 5 रुपये किलो की दर से आलू खरीदता है 16 रुपये किलो, 5 रुपये किलो की दर से आलू खरीदता है, 12 रुपये किलो की दर से आपका परवल खरीदता है, तो 12 में से 5 या बच गया 7 हो जाएगा, 16 × 12 करेंगे हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192 में से 43 या 49 बटा 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, मतलब उसने कुल 7 केजी आलू खरीदा है ज़्यादा नहीं, और 5 किलो मात्र परवल खरीदा है, मतलब आलू है जो ज़्यादा खरीदा है और परवल 5 किलो मात्र खरीदा है, और कुछ भी चल सकता है। इसी प्रकार से ये प्रश्न आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेकर चलते हैं। चलिए पहले हम गाय मुर्गा बता दिए, उसके बाद गाय भेड़ अति मुर्गा भेड़ बता दिए, उसके बाद आपको बता दिए कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न बता दिए, उसके बाद आपको सब्जी भी खरीदवा दिए, आलू परवल भी खरीद दिए। अब हम लोग चलते हैं आभूषण की ओर चलते हैं, मतलब सोना चांदी की ओर भी चलते हैं। तो कहता है सोना तथा चांदी से बना आभूषण का भार 20 ग्राम है, मतलब मान लीजिए कोई एक जेवर है जिसका 20 ग्राम भार है सोना चांदी से मिलकर बना है। कहता है जिसका मूल्य 5200 रुपया है, कहता यदि सोने का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम है, मतलब 1 ग्राम का दाम 400 रुपया है और चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम है, तो सोने की मात्रा कितना है। चलिए सोना पूछ रहा है तो मान लेंगे टोटल के टोटल क्या मानेंगे, तो है चांदी मान लेंगे, टोटल 5200 रुपया खर्च किया है माइनस टोटल जो आभूषण है 20 ग्राम है, चांदी जो है 50 रुपये प्रति ग्राम है बटा 50 और 400 का बीच का अंतर हो जाएगा 350,
ये पाँच दुना दस 1,552 में से 1,000 गया बच गया 4,200 बटा 350 हो जाएगा। तो 42 × 12 करेंगे तो आपका 12 ग्राम मतलब 20 ग्राम जो आभूषण है उसमें 12 ग्राम आपको रह जाएगा सोना रह जाएगा, बाकी 8 ग्राम जो होगा वो चांदी होगा। तो आज के लिए गाय मुर्गा से संबंधित प्रश्न में बस इतना ही रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलेंगे और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि और आगे का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।